तो भाई फिलिस टैंग्वेज, सो गाइस आई गेस आप लोगों को ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है एंड ये आप लोगों को पता ही होगा कि BGMI को प्ले स्टोर से एंड ऐप स्टोर के ऊपर से रिमूव कर दिया गया है एंड इसकी वजह से काफ़ी पैनिक मचा हुआ है कि क्या एक्चुअल में गेम फिर से बैन हो चुकी है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल ऐसी न्यूज़ भी नहीं आई है कि इतने ऐप फिर से बैन हो चुके हैं जिसके अंदर BGMI है या फिर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप लोगों के दिमाग में भी काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होंगे एंड इस वीडियो में वो सारे के सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। एंड यस, वीडियो के खत्म होते तक आप लोगों को ये चीज़ पता लग जाएगी गेम एक्चुअल में बैन हुई है या फिर वो रिमूव हुई है, तो किस रीजन से हुई है, कब तक वो वापस आ जाने वाली है। काफी हेल्पफुल वीडियो होगी, अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो डेट ज्यादा से ज्यादा लोगों के डाउट क्लियर हो पाए। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, अगर आप लोग बिल्कुल अपडेटेड रहना चाहते हो ना ये BGMI वाले सीन से, तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो, एक एक इंपॉर्टेंट न्यूज मैं वहाँ पे कवर कर लूंगा एंड आप लोग बिल्कुल ही अपडेट रहोगे, क्योंकि हर एक चीज के लिए वीडियो बनाना तो पॉसिबल भी नहीं है। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में भी यही क्वेश्चन होगा कि क्या एक्चुअल में BGMI को बैन कर दिया गया, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, अपनी आईडी को अपडेट किया, इतने ऊपर तक लेवल्स पे लेके गए एंड सबसे बड़ी बात है उसमें एक्चुअल में पैसे भी इन्वेस्ट किए गए। मैंने खुद अपनी ग्लेशियर वगैरह सब मैक्स की हुई है एंड एक्चुअल में मेरा काफी पैसा लगा हुआ है एंड गेम बैन हो जाएगी तो मेरे लिए बहुत ही भारी नुकसान है। लेकिन क्वेश्चन वही आता है कि क्या एक्चुअल में BGMI को बैन कर भी दिया गया है, तो मैं इसका आपको आंसर बताऊं तो मेरे हिसाब से 99.9% नहीं। एंड ये जो ऐप रिमूव हुआ है ना, क्यों हुआ है, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं। वैसे तो सबसे बेस्ट सिनेरियो यही होता है कि BGMI आगे आके खुद ही बता देते कि हाँ ये वाला रीजन है, तो हम लोगों को गेस नहीं करना पड़ता, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ही पक्का वाला बताता हूं कि मेरे हिसाब से यही रीजन रहने वाला है एंड अभी ये चीज हो भी रही है एक्चुअल में प्ले स्टोर के ऊपर। अगर आप लोग लेटेस्ट न्यूज और ट्रेंड्स को फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि एक जोकर नाम का मालवेयर आ गया है गेम में नहीं कह सकते, मतलब एप्लीकेशंस के अंदर आ गए, जिसकी वजह से एप्लीकेशन सेफ नहीं रह गई, मतलब जो प्ले स्टोर है या फिर ऐप स्टोर है, जो इनकी अपनी पॉलिसीज है ना, उस हिसाब से बैच नहीं कर पानी, क्योंकि जोकर मालवेयर एक तरीके का, मालवेयर का मतलब ये होता है वायरस वगैरह, जो किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर या किसी भी सिस्टम के ऊपर अटैक करता है एंड उसकी वजह से जो उसकी प्राइवेसी होती है या फिर जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट डाटा होता है उसे चोरी कर लेता है। तो ये होता है मालवेयर का काम एंड जोकर मालवेयर आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया, जो मतलब अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से जो उनका प्राइवेसी इशू है वो खड़ा हो रहा है। एंड यहाँ पे आप लोगों को ये चीज पता होगी कि जो गूगल प्ले स्टोर है या फिर ऐप स्टोर है, यहाँ पे अभी इसी टाइम पे काफी ज्यादा एप्लीकेशंस को रिमूव कर दे रहे हैं इस वाले मालवेयर की वजह से। एंड ये ऐसा नहीं मैं बता रहा कि कर देंगे, कर दिया है, काफी ज्यादा एप्लीकेशंस को रिमूव कर दिया है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर से इसी मालवेयर की वजह से। एंड ये चीज अभी रिसेंट के कुछ ही दिनों के अंदर हुई है, अगर आप लोगों को डाउट है कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ तो जस्ट एक बार गूगल करो, आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जोकर मालवेयर के बारे में। मैं वैसे न्यूज एंड ट्रेंड्स पढ़ता रहता हूँ इसलिए मुझे ये चीज पहले ही पता थी, हाँ ये नहीं पता था कि BGMI को भी ये लोग कर देंगे, मुझे ये पता था कि ऐसा हो रहा है, एप्लीकेशंस को रिमूव किया जा रहा है एंड हाईली पॉसिबिलिटी इस चीज की कि इसी वजह से BGMI को भी किया गया होगा। अब यहाँ पे आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा कि यार तुझे कैसे पता कि इसी रीजन की वजह से किया होगा, क्योंकि देखो यार अभी पिछले कुछ दिनों में इस जोकर मालवेयर की वजह से लगातार एप्लीकेशंस को रिमूव किया जा रहा है एंड अचानक से इसी ट्रेंड के बीच में BGMI को भी रिमूव कर दिया गया, बिल्कुल ही अचानक से, तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी यही बनती है कि इसी रीजन की वजह से किया गया होगा। लेकिन BGMI वालों ने कोई भी ऑफिशियल आंसर नहीं दिया एंड अभी तक बताया नहीं कि किस वजह से ये चीज हुई है, तो यहाँ पे कुछ और पॉसिबिलिटीज भी है जिसपे एक बार हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि गेम के अंदर प्राइवेसी इशू होना या फिर गेम के अंदर कह सकते हैं कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज होना जो गवर्नमेंट की नहीं, एक्चुअल में गूगल की पॉलिसीज के साथ मैच नहीं करती है। गवर्नमेंट की तो अपनी पॉलिसीज है ही है जिसको रिस्पेक्ट करते हैं हर कोई, लेकिन गूगल प्ले स्टोर की भी अपनी पॉलिसीज होती है। जैसे कि आपको एग्जांपल याद होगा पेटीएम का, भी कुछ ही टाइम पहले मेरे हिसाब से 8-9 महीने हुए हैं पेटीएम को रिमूव कर दिया था, अचानक से न्यूज आई कि पेटीएम भाई रिमूव हो गया है। एंड भाई पेटीएम कोई छोटे मोटे एप्लीकेशन तो है नहीं, मतलब BGMI लेवल का ही है। अब ये नहीं मैं कह रहा कि दोनों अलग अलग कैटेगरीज है, मुझे भी पता है, लेकिन वैसे फेमस मैं कह रहा हूँ उस लेवल का ही एप्लीकेशन है एंड अचानक से एक दिन दोपहर में न्यूज आना कि पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। एंड क्या आप लोगों को पता है वो चीज हुई किस वजह से थी, क्योंकि पेटीएम के अंदर एक अलग टाइप की गेम इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी थी, पेटीएम प्ले नाम का एक ऐसा था उसके अंदर, जहां पे गैम्बलिंग टाइप की हो सकती थी, मतलब पैसे लगा के पैसे जीतने थे, मुझे अच्छे से याद नहीं है, मतलब इसी टाइप का कुछ था। एंड क्या आप लोग जानते हैं जो गूगल प्ले स्टोर है उसकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि कोई भी गैम्बलिंग एप्लीकेशन, मतलब जिसमें पैसा लगा के पैसा कमा सकते हैं या फिर जिसमें इस टाइप की चीजें होती है, वो उनके प्ले स्टोर के ऊपर नहीं होंगी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा यार कितने तो ऐड आते हैं ऐसे एप्लीकेशन के, हम लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर लेते हैं, भाई वो तब तक ही कर सकते हैं जब तक कि उन लोगों को वहां पे पता नहीं है कि ऐसी एप्लीकेशन है। जैसे ही प्ले स्टोर वालों को पता लगता है ना, वो लोग वहां से रिमूव कर देते हैं एंड ये एप्लीकेशन होती रहती है रिमूव, आप लोग इंटरनेट पे चेक करके देख भी सकते हैं। एंड फिर ये लोग क्या करते हैं, एक बार जब पॉपुलर हो जाती है ना ऐसी एप्लीकेशन, तो वो अपनी अपनी वेबसाइट्स बना लेते हैं एंड लोगों को जब उसके बारे में पता ही है तो वो गूगल प्ले स्टोर से नहीं सीधा गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके, एंड वो चीज लीगल है। बट एनीवे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होने वाला है कि यहाँ पे जो BGMI है वो अपनी वेबसाइट से गेम को डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरे हिसाब से जस्ट यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ है, जो कि प्रॉब्लम चल रही है वो बहुत जल्दी फिक्स हो जाएगी। पेटीएम का भी आप
लोग को याद होगा पेटीएम रिमूव हुआ था और मेरे हिसाब से कुछ ही घंटों के अंदर वापस भी आ गया था, शायद अगले दिन वापस आया था, इतना याद नहीं, हट नहीं हो चुके हैं, बट आप लोग कमेंट में करेक्ट कर देना। एंड लास्ट में एक बार वर्स्ट पॉसिबिलिटी के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं कि इनकेस अगर जो गेम है वो बैन हो गया है, मतलब गवर्नमेंट ने इसको बैन फिर से कर दिया है, तो देखो यार वैसे मेरे हिसाब से ना 0.01% चांस है कि ऐसा कुछ भी हुआ होगा, लेकिन हर पॉसिबिलिटी को एक बार तो देखना ही चाहिए। तो मेरे माइंड में यार ये एक बहुत ही ज्यादा अजीब डिसीजन है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा ई स्पोर्ट्स जो है ना कुछ नेक्स्ट लेवल पे ग्रो हो रहा है यार, टीवी के ऊपर आ रहा है भाई, सीरियसली यार आजकल जो हमारे मतलब जैसे पेरेंट्स हैं वो तो ये चीज समझते हैं कि टीवी के ऊपर अगर चीज आ रही है ना मतलब अलग ही लेवल जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में वो चीज देखी हुई है, टीवी सब होता था, अभी मोबाइल की जनरेशन आ चुकी है ये जो अलग है हमारी वाली, जहाँ पे हम लोग अपने दम पे अपनी मेहनत से भी फेमस हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे, लेकिन उस समय टीवी पे आना बहुत बड़ी बात होती थी। एंड एक्चुअल में ई स्पोर्ट्स टीवी तक पहुंच चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, एंड जिस स्पीड से ग्रो हो रहा है ना ये बहुत ही सही जा रहा है, लेकिन अगर ये गेम फिर बैन हो गई ना तो ये सच में यार लास्ट नेल इन द कॉफिन होगा। आई नो ये इंग्लिश की कहावत है लेकिन सच में यार ये चीज ही होने वाली है। अभी एक बार गेम बैन हुई, आप लोगों ने खुद देखा, जब पबजी बैन हुई ना उसके बाद बीजीएमआई हाइप कितनी कम हो चुकी है यार, अभी एक और बैन हो गया ना अगर ये गेम फिर से, सीरियसली बता रहा हूं, उसके बाद फिर एक डेढ़ साल के बाद अगर वापस आ भी गई गेम वैसी डेड हो चुकी होगी यार तब तक। तो पबजी के बैन होने के बाद ही बीजीएमआई आने के बाद वो मजा नहीं रह गया है, तो सोचो अगर बीजीएमआई बैन हो गई और उसके फिर एक डेढ़ साल के बाद आएगी, क्या आप लोग खुद ही खेलोगे? मेरे को नहीं लगता भाई, सब लोग छोड़ छाड़ के भाग जाने वाले हैं, तो ऐसा आई होप कुछ भी ना हो। एंड आप लोगों को क्या लगता है, अभी मैंने तीनों पॉसिबिलिटीज को एक बार एड्रेस कर लिया, अभी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे को पर्सनली लगता है जोकर मालवेयर वाले का सीन है, एंड आने वाले एक दो दिनों के अंदर ही हमें ऑफिशियली न्यूज तो देखने के लिए मिली जाएगी एंड ये जो प्रॉब्लम है ये भी फिक्स हो जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो ताकि उनको भी पता लग पाए। इसके बारे में मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रॉम स्टैंगो, बाय।